हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे मसाला पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप इसे ट्रैवल करते वक्त पिकनिक में या फिर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। मसाला पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा 1.5 कप, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, पेपरिका 1/2 टीस्पून, ऑयल 1 कप, पानी आटा गूंदने के लिए। सबसे पहले एक परात में गेहूं का आटा ले लें। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन को इस तरह से हथेली में रब करके डालें। पेपरिका डालें, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टीस्पून तेल डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालें और एक टाइट सा डो तैयार कर लें। मसाला पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप इसे ट्रैवल करते वक्त पिकनिक में या बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। इसे अचार या फिर कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। अब इसका टाइट सा डो तैयार हो चुका है। इसको ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख दें। अब ढक्कन हटाएं और वापस से एक बारी इसे अच्छे से गूंथ लें। इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब इस डो से छोटे छोटे से बॉल्स बना लें। अब इन बॉल्स को पूरी की साइज में रोल कर लें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो हल्का सा तेल लगा लें। वैसे डो काफ़ी टाइट गूंदा हुआ है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से पूरी बना लें। सारी पूरियां इस तरह से बना कर रख दें। अब एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में तेल गरम कर लें। एक छोटा सा बॉल डाल के देख लें। देखिए, अब ऊपर आने लग गया है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अब इसमें पूरी डालें। हल्का हल्का सा साइड से दबाते रहें। दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। देखिए, फूल चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। बाकी बची हुई पूरियां भी इसी तरह से फ्राई कर लें। लीजिए, मसाला पूरी तैयार है। इसे सब्जी या फिर अचार के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।